दोस्तों क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसे इंडिया में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। अगर आप भी क्रिकेट देखते हैं तो आपने नोटिस जरूर किया होगा कि कई खिलाड़ी अपने चेहरे पर सफेद रंग की क्रीम लगाते हैं और इस क्रीम की काफी मोटी लेयर उनके चेहरे पर लगी होती है जिसे हम सब भी बड़ी आसानी से देख पाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खिलाड़ी अपने चेहरे पर यह क्रीम क्यों लगाते हैं? अगर नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं कि खिलाड़ी अपने चेहरे पर यह क्रीम क्यों लगाते हैं। दोस्तों क्रिकेटर अपने चेहरे पर जो सफेद क्रीम लगाते हैं वह जिंक ऑक्साइड क्रीम होती है जो कि एक फिजिकल सनस्क्रीन है। इसे रिफ्लेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिसे स्किन के ऊपर लगाया जाता है। ये जो क्रीम होती है त्वचा के ऊपर एक लेयर बना देती है और जिससे सूरज की हानिकारक किरणों से त्वचा की सुरक्षा होती है। दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सनस्क्रीन तो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो उस क्रीम में और इस क्रीम में क्या अंतर होता है? तो आपको बता दूं कि जो सनस्क्रीन हम रोजाना लगाते हैं वह केमिकल सनस्क्रीन और एब्जॉर्बर होता है जबकि क्रिकेटर जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें लगातार 6-7 घंटे धूप में रहना पड़ता है जो कि उनकी स्किन के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऐसे में जिंक ऑक्साइड क्रीम उनकी स्किन को डैमेज होने से बचाती है और इससे त्वचा जलन और सूजन से भी बची रहती है और ना ही इससे किसी तरह की खुजली, रैशेज और एलर्जी की समस्या होती है। दोस्तों ज्यादातर क्रिकेटर इसे अपने सिर, चेहरे, गर्दन के पीछे, होंठ और हाथों पर लगाते हैं क्योंकि शरीर का ये हिस्सा सबसे ज्यादा धूप के संपर्क में रहता है। तो दोस्तों अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्रिकेटर अपने चेहरे पर सफेद क्रीम क्यों लगाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले और अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।